भाजपा के कई बड़े नेता वंदे मातरम बोलने पर ज्यादा जोर देते हैं। आज इस वीडियो में बात कुछ भाजपा नेताओं और भाजपा समर्थकों की करेंगे और देखेंगे जब पत्रकारों ने उनसे वंदे मातरम का पूरा गीत सुनाने को कहा तो क्या जवाब मिला। ललन टॉप के पत्रकार ने जब भाजपा समर्थकों से वंदे मातरम का पूरा गीत सुनाने को कहा तो वे इस सवाल को टालते नजर आए। हमें आने बताएंगे उन्हें उनका दंड मिल जाएगा कि वंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बार आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलिया शीतलाम शश श्यामलाम मातरम वंदे मातरम ये आपको नहीं याद है? किस किताब में है ये? बकीरम चटर्जी ने इसकी रचयिता एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत नहीं इसके बकीरम चटर्जी बंकिमचंद चटर्जी ने उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था? कहाँ लिखा था? बकीरम चटर्जी ने लिखा था ये गीत आनंद मठ में लिखा था। सन्यासी विद्रोह के उपन्यास है आनंद मठ जी। आज तक के पत्रकार ने कुछ भाजपा नेताओं को वंदे मातरम गीत गाकर सुनाने को कहा, आप खुद ही देखिए कि क्या वैसा कर पाए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलो भारत माता की। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है तो वो भी एक बार गाकर बता दीजिए। नहीं थे यहाँ पे अभी, आज इतना ही तो वो भी एक बार गाकर बता दीजिए। नहीं थे यहाँ पे अभी, आज इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरा गाएंगे। वंदे मातरम सुफलाम यामलाम मातरम। टूटा फूटा गाया, आधा बीच बीच में से कई गायब। नहीं यही है। मैं जी गाता रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ। आपको नहीं आता था? नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? तो देख रहे हैं उसको वीडियो में, तो वही तो मैं देख रहा हूँ यार, कहाँ है अभी दूर दो। इंडिया टुडे की एक डिबेट में भाजपा नेता ने कहा कि राष्ट्रीय गीत गाने को अपनी शान समझना चाहिए। इस पर राहुल कमल ने उन्हें वंदे मातरम गीत गाने को कहा, पर वे इस पर गोल गोल बात करते नजर आए। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हिम्मत से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, और इस देश में रह के हमें राष्ट्रीय गीत, हमें इस मतलब राष्ट्रीय गान, हमें गाने में फकर होना चाहिए। अच्छा औलक साहब, औलक साहब आपको आता है पूरा वंदे मातरम? आप गा के हमें सुना सकते हैं? वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप ऐसा है, आप आ जाइए, मैं पूरा का पूरा सुना दूंगा, ये भी समझ लें और ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए। इसको राष्ट्रीय गान, पहले विश्वास नहीं हो रहा है, बस कह रहे सुना दीजिए। मैं अरे भाई ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का गुणगान करना चाहिए। सर आपको आता है वंदे मातरम? आप चार लाइनें सुना दीजिए ना प्लीज। पत्रकारों ने कई भाजपा नेताओं से बात की और उन्हें वंदे मातरम सुनाने के लिए कहा, आप खुद ही देखिए कि उन्हें हमारा राष्ट्रीय गीत कितना याद है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर याद होगा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या वो आठ लाइनें आप सुना सकते हैं जिन्हें शामिल किया गया वंदे मातरम से? आप हाँ, नीचे की चार लाइन और सुना दें अग्रवाल जी। नीचे खड़े हो गए, चार लाइन और अग्रवाल जी, खड़े हो रहे हैं, सभी खड़े हो जाइए, आप सामूहिक रूप से गा लेंगे। हाँ जी जी, सुना दीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम मलयज शीतलाम शश श्यामला मातरम मलयज शीतलाम वंदे मातरम। तो जब सामूहिक रूप से इसको बाकी की चार लाइन फिर रह गई सर, शब्द आप बताएंगे अग्रवाल जी, बाकी की चार लाइन फिर रह गई। आप साथ में आएंगे तो तभी तो अग्रवाल जी प्लीज, सेकंड पहले का लाइन का पहली लाइन, आखिरी की चार लाइन फिर रह गई सर। नहीं अग्रवाल जी, आखिरी की चार लाइन रह गई सर। आप हाँ तो आप पहला शब्द बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट करके इसके बारे में हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।